धार्मिक समागम में लगने वाली राजनीतिक स्टेडियम के बारे में बोलते हुए एसजीपीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि अकाल तख्त साहिब की तरफ से भी जिस तरह के आदेश दिए गए हों उसको फतेहगढ़ साहिब के बीच में माना गया, तो वहीं आगे धार्मिक समागम में राजनीतिक स्टेज लगने पर लोंगोवाल ने कहा कि हर जगह की धार्मिक भावनाएँ अलग अलग होती हैं, कई जगह पर लोग भी अलग अलग बातों को सुनने पहुंचते हैं, पर तो वहां पर उस तरह का माहौल बनाया जाता है क्योंकि फतेहगढ़ साहब में छोटे साहिबजादों की शहादत को लेकर गमहीन मोहर रहता है, तो वहां पर राजनीतिक तेज नहीं लगना एक अच्छा कदम है। चरणजीत सिंह चड्ढा के मामले में गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जिस तरह की कार्रवाई होगी वह की जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएँ सामने आना बेहद शर्मनाक है। साथ ही पुरातन समय के बीच में गुरुओं के शास्त्र बनाने वाले ही बिरादरी के सिकली कारीगरों को लेकर भी गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि उनको जिस तरह की ज़रूरत होगी उसको पूरा करने के लिए शिरोमणि कमेटी हमेशा ध्यान रखेगी और उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। संगरूर से कुमार संजीव के साथ विनोद कुमार गोयल, आज़ाद टीवी न्यूज़। उत्थे छोटे साहबजादे शहीदी हुई है, हर करीब बहुत ही बैरागमयी सभा होंगी है, उत्थे बहतेरी कई धार्मिक स्थान होंगे ने, उत्थे लोग जिहड़े ने उत्थे हर तरह की जिहड़ी है सिक्ख्या भी लेके जाते हैं, लोगों को अगवाई भी मिलती है, वक्खो वक्खरे धार्मिक स्थानां दी जिहड़ी गल है इक स्थान दे उत्ते वक्खो वक्खरियां आयोजन चलदे ने। इक प्रधान जी सिकली घरां वास्ते की कर रही है श्रोमणी कमेटी? सिकली घर करांगे जी, मैं देखा ध्यान देवांगे जिथे जिथे जिहड़ी चीज़ दी उहनां नूं लोड़ होगी जरूर करांगे उहनां वास्ते। वीर दविंदर सिंह डिप्टी स्पीकर रहे ने, कहिंदे खंड श्री अखंड पाठ साहिब ने गोद लैण दी जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗਾ।